यार अंकिता, जब तक ड्राइवर नहीं आ जाता ना, हम यहाँ पर थोड़ी देर चिल करते हैं। और वैसे भी तुम्हारी फ्लाइट इतनी लंबी थी, आई एम श्योर यू मस्ट बी टायर्ड। एंड यू नो व्हाट, यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ के हिंदी क्लासिक सॉन्ग्स बहुत ज्यादा फेमस है। ओह रियली? यू नो आई लव हिंदी सॉन्ग्स, बट मेरा हिंदी इज वेरी पुअर। मुझे भी हिंदी सीखना, फिर मैं भी परफेक्ट हिंदी में सॉन्ग्स गाना। Yeah. Excuse me, ma'am. आपका ऑर्डर? Two red roses. Okay, ma'am. Don't worry, यार. अभी तुम यहाँ आ गई हो ना? आज से तुम्हारी हिंदी की कोचिंग शुरू. Wow, wow, अंकिता. What was that? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना प्रोफेशनल डांस कर सकती हो. Seriously, man, you nailed it. डांस? हाँ, सपना, आई हैव नेवर डांस्ड इन माय लाइफ। हाउ डिड आई डांस? रियली? बट यू नो व्हाट, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे जैसे तुम बहुत सालों से प्रैक्टिस करती आ रही हो। पर बार बार कुछ नहीं, मैं तुम्हें परफेक्ट हिंदी सिखाऊंगी और तुम मुझे डांस। लेट्स मेक अ डील। व्हाट से? एनीवेज लेट्स गो। सपना, सबके सामने मासी, I'm sorry, sorry. पर है मामा, पहले तो अंकिता मैडम मुझे बोलती है कि ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करना चाहिए, और उसके दो मिनट के बाद 50 लोगों के सामने ऐसे डांस कर रही थी कि पब्लिक तालियां बजा रही थी। I don't know what happened. You know, मुंबई में मेरा पहला दिन, I just embarrassed myself. चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। ये सारा सामान कल अनपैक कर लेना, अभी सो जाते हैं। हाँ, ओके। लैला, से दूर रहोगी? कब तक? मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता मुझसे, कोई नहीं। लैला, कितने बरसों इंतजार किया है मैंने तुम्हारा, मेरा प्यार अमर है, वो मर नहीं सकता। मैं आ गया हूं। लैला तू लैला, ऐसी तू लैला, लैला तू लैला। क्यों चिल्ला रही हो? नहीं, वो क्या, वो
चल यार रेडी है तो चल, लेट हो रहा है। टाउन में ना बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और आज हम वही लंच करेंगे, ओके? अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मॉम हम खाना बाहर ही खाएंगे और इसी बहाने अंकिता मुंबई भी देख लेगी, है ना? अरे लेकिन लंच एकदम रेडी है बेटा। एक्चुअली हम सपना मासी इज ऑलरेडी कुक्ड, कितना प्यार से बनाए। लेट्स ईट हियर। अरे नहीं नहीं नहीं, हमने ऑलरेडी टेबल बुक कर लिया है, चलो बाय मां। अरे जल्दी आना। लेकिन यादों के सफर शो में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 80s की मशहूर एक्ट्रेस लैला का एक इंटरव्यू, जो उनके सॉन्ग लैला की सफलता के बाद लिया गया था। अब लैला जी ये बताइए कि लैला में लैला गाने की लोकप्रियता का आपको कोई अनुमान था? जी कभी नहीं, सबको पसंद आएगा ये तो पता था, लेकिन इतना बड़ा हिट हो जाएगा ये नहीं पता था। अंकिता क्या हुआ? अंकिता व्हाट हैपेंड? अंकिता हम यहाँ क्यों रुके? हम तो लंच के लिए जाने वाले थे ना। ये होटल, ये बिल्डिंग होटल होराइजन सी था ना, यहीं पे वो गाना शूट हुआ था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम तो मुंबई पहली बार आई हो ना। अंकिता हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो रेस्टोरेंट जा रहे थे ना खाना खाने के लिए। मुझे बहुत भूख भी लग रही है, चले चलो चलो। Why aren't you saying anything? Who's there?
मुझसे डर क्यों रही हो लैला? मैंने कहा था कि मर के भी हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं मर के भी तुम्हारे लिए जिंदा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। लैला, 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 लैला। मॉम, आप जाकर सो जाइए, मैं आगे तरह ख्याल रखती हूँ। श्योर? काम लो, रिलैक्स। लैला, 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 सपना, सपना, तुम क्या किसी लैला को जानती हो? नहीं तो मैं किसी लैला को नहीं जानती। कोई कोई डांसर, बहुत फेमस डांसर। डांसर तो नहीं, बट हाँ, लैला नाम की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी। बट
वो तो 20 साल पहले ही मर गई। She's dead. But हाँ, you remember? एयरपोर्ट पे क्लब में तुमने उसी के सबसे फेमस सॉन्ग पर ही तो डांस किया था। Really? कुछ और, कुछ भी और? मैं लैला के बारे में और कुछ नहीं जानती। कुछ भी? कैसे मरी, क्या हुआ, कुछ तो पता होगा। नहीं तो मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता। बट इफ यू वॉन्ट देन वी कैन फाइंड आउट। हाँ, नहीं जाना बहुत जरूरी है। ये लैला है कौन और मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है? So, कुछ पता चला लैला के बारे में? लैला होटल होराइजन में मारी गई थी। What? Strange, right? बिल्डिंग होटल होराइजन सी था ना, यहीं पे वो गाना शूट हुआ था। तुमने इससे पहले कभी डांस नहीं किया, लेकिन लेकिन उस दिन तुम बिल्कुल वैसे ही नाची। I mean, same steps जो लैला ने 20 साल पहले किए, जबकि तुमने वो गाना कभी पहले सुना भी नहीं था। फिर उस दिन होटल होराइजन में तुम मुझे ड्राइव करके ले गई थी। You were driving like as if you were in a certain kind of trance. बिल्कुल होश नहीं था तुम्हें। फिर कल रात जो हुआ वो, एक्चुअली इन सबका कोई सेंस नहीं बनता। Unless क्या? सीरियसली यार, क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या हो सकता है? पुनर्जन्म। पुनर व्हाट? अरे, रीबर्थ। यार, तुम जब से मुंबई आई हो, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, I'm sure इनका कोई ना कोई मतलब तो है। पता नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में पता करके रहूंगी। मुझे विजय से मिलना चाहिए, वो लैला का कोस्टार था, शायद वो हमारी कोई मदद कर सके। कहिए, कैसे मिलना है आपको? विजय कुमार, एक्चुअली हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। थैंक यू। ऐसा भी हो सकता है, विश्वास नहीं होता। जब तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी लैला मेरे सामने खड़ी है।
वो काले हुड वाला आदमी कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं मतलब? तुम्हें उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसी आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा उस आदमी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लैला, यही है वो, यही है वो, यही है। लैला, व्हाट हैपेंड? मैं विजय हूँ। आर यू ओके? या, आई एम फाइन। आई थिंक आई जस्ट नीड रेस्ट। बैकअप। कौन है यहाँ? लैला, क्या हुआ? विजय, विजय, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे मार डालेगा। कौन? लैला, क्या हुआ? लैला, यहाँ कोई भी नहीं है। वो मुझे मार डालेगा। तो फिर से दिखा था तुम्हें? कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। डोंट वरी, ओके? कुछ नहीं होगा। वो मुझे मार। डोंट वरी। मुझसे डरो मत, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मुझे छोड़ दो। तुम सिर्फ मेरी हो लैला। लैला, मुझसे डरो मत। छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं लैला। तुम नहीं तो मैं भी नहीं। मौत भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती लैला। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं लैला। वो आखिरी बार था जब मैंने लैला को देखा था। उस रात मुझे भी मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं बच गया। इस एहसास के साथ जीने के लिए कि जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं मैं उसे बचा नहीं पाया। किन वो आदमी था? कौन? बाबा। बाबा,
हाँ बाबा, लैला का बहुत बड़ा फैन था वो। मर्डर आइलैंड में लैला विला नाम के बंगलों में रहता था। लैला के लिए पागल था वो। उसके सेट पर हमेशा आ जाया करता था। लैला के बॉडीगार्ड ने कितनी बार उसे भगाया, लेकिन मार खा कर भी वो हमेशा वापस आता रहा। ये क्यों हो रहा है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जाओ यहाँ से अभी, जल्दी जल्दी जाओ। चलो अंकिता, चलो चलो, खोलो दरवाजा, खोलो। क्यों चिल्ला रही है? लैला को तो तुमने मार दिया, अंकिता को नहीं मरने दूंगा मैं। डोंट वरी, परेशान मत हो। मासी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? This is too much. I can't handle this. मैं नहीं handle कर सकती है। और मासी, मेरी वजह से आप लोगों की भी लाइफ डेंजर में आ गई है। नहीं अंकिता, डोंट वरी, तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? सब ठीक हो जाएगा। मौसी, मौसी मुझे वापस जाना है। I can't stay anymore. मेरे घर की टिकट करा दीजिए प्लीज। यू नो, यदि अगर मैं चली जाऊंगी तो मैं सब ठीक हो जाएगा। मौसी प्लीज, प्लीज मौसी मेरे घर की टिकट करा दीजिए। ओके 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 ओके, तुम जाना चाहती हो तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। लेकिन इसे रो रो कर हालत खराब मत करो बेटा। I'm sorry, मौसी. नो बेटा, इट्स ओके, इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ओह गॉड, मैं
अंकिता कहाँ जा रही हो? इस तरह भाग नहीं सकती हो। बाबा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें कुछ करना होगा अपने मेरे लिए। आग से आग को काटना होगा। जला दो उसे, जला दो। खुशी हो रही है तुम्हें यहां पर देखकर लैला। ये मेरा घर नहीं है, ये तुम्हारा मंदिर है। बरसों से मैंने यहां पर तप किया है तुम्हारे लिए। शायद पिछले जन्म में तुम मेरे जले हुए चेहरे से नफरत करती थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। और एक दिन मेरे पास तुम जरूर आओगी। और तुम आई लैला, तुम आ गई। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। बस सूरत तुम्हारा चेहरा नहीं है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी आत्मा है। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। अगर किया होता तो तुम मेरी खुशियां मेरी जिंदगी नहीं छीन सकते थे। मैं हमेशा तुमसे नफरत करती आई हूँ, कल भी आज भी, और हमेशा करती रहूंगी। सुना तुमने? तुमने मुझे गलत समझा। तुम अभी भी मेरे प्यार को समझ नहीं पाई। अब तुम मरने के बाद ही मेरे प्यार को समझ पाओगी। तुझसे दिन रात तुझे पूछता रहा, तेरा मंदिर बनाया, लेकिन न तब तू मेरे प्यार को समझी थी, ना ही आज समझी है। अब मरने के बाद ही तू मेरी होगी। मुझे माफ कर दो बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो।
मैं तुम्हें समझ नहीं पाई पापा, I'm very sorry. तुमने 20 साल मुझसे प्यार किया, मैं समझ ही रही, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ बाबा, और अब मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जाऊंगी. बाबा I'm really sorry. I'm really really sorry. मैं अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी. I promise. इंतजार किया मैंने इस दिन का, आज मैं बहुत खुश हूं. तुम्हारा खेल खत्म बाबा, तुम्हारा खेल खत्म. To enjoy more horror TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.